सबसे पहले मसालों की बात। हल्दी वायदा सितंबर की कीमतों में प्रत्येक प्राइस के बाद सेलिंग होने की संभावना है और कीमतों को 7450 के स्तर पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष हल्दी की बुआई रिकॉर्ड स्तर पर होने की संभावना है। तेलंगाना में हल्दी का उत्पादन क्षेत्र 30,000 हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। तमिलनाडु में भी इस वर्ष अच्छी बारिश के बाद पैदावार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर पश्चिम और दक्षिण भारत में हल्दी का उत्पादन 75 से 77 लाख बैग होने का अनुमान है और यदि बारिश अच्छी होती रही तो 80 से 82 लाख बैग तक उत्पादन हो सकता है। जीरा वायदा सितंबर की कीमतों को 20,000 स्तर के पर सपोर्ट रह सकता है, जबकि कीमतों में 21,000 से 21,500 रुपये तक बढ़त दर्ज की जा सकती है। इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत जीरे का एकमात्र निर्यातक रह गया है, क्योंकि तुर्की और सीरिया में खराब मौसम के कारण उत्पादन में कमी हुई है और इन देशों से विश्व बाजार में जीरे की सप्लाई कम हो रही है। तिलहन में सोयाबीन वायदा अक्टूबर की कीमतों में 3480-3500 रुपये तक रिकवरी जारी रहने की संभावना है। अगले सीजन के लिए सोयाबीन के कैरी ओवर स्टॉक के कई वर्षों के निचले स्तर लगभग 1,00,000 टन तक लुढ़क जाने की संभावना है। सोयाबीन की नई फसल की आवक अक्टूबर में शुरू होगी और उपलब्ध स्टॉक मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। सरसों वायदा की सितंबर वायदा की कीमतों में बिकवाली का दबाव रह सकता है और कीमतों में 4450 रुपये तक गिरावट जारी रह सकती है, क्योंकि नेफेड ने राजस्थान में सरसों बेचना शुरू कर दिया है। घरेलू बाजार में सरसों की कीमतों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,000 रुपये प्रति 100 किलोग्राम से 300-400 रुपये अधिक होने पर सरकारी एजेंसियों को स्टॉक बेचना लाभकारी होता है। CPO वायदा अगस्त की कीमतों में 580 रुपये तक गिरावट जारी रहने की संभावना है, क्योंकि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए पाम ऑयल का आयात बढ़ सकता है। चना वायदा सितंबर की कीमतों की बढ़त पर रोक लगने की संभावना है और कीमतों को 4400 के नजदीक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि मंडियों में मांग की तुलना में सप्लाई अधिक होने से नरमी का रुझान है। इसके साथ ही ऐसी खबर है कि दाल के अधिक भंडार से परेशान केंद्र सरकार सब्सिडाइज दरों पर राज्यों को दालों के आवंटन की घोषणा कर सकती है। राज्यों द्वारा इन दालों को जन वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किया जा सकता है। कॉटन वायदा अक्टूबर की कीमतों में तेजी का रुझान रहने की संभावना है और कीमतें 24,500 से 24,700 रुपये के स्तर तक पहुँच सकती है। इसका कारण यह है कि विदेशों से भारतीय कपास की मांग, कम होते स्टॉक और कम सप्लाई के बीच मिलों की ओर से अच्छी खरीदारी के कारण कीमतों में तेजी का रुझान है। कॉटन एडवाइजरी बोर्ड का अनुमान है कि मौजूदा सीजन 2017-18 में भारत से कपास का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 20% बढ़कर 70 लाख मील हो सकता है।